नमस्ते दोस्तों, वेलकम आपका अपने ही चैनल पर। और परसों जो मैंने रिपोर्टिंग करी थी वो देखी, तो इस तरह से मैंने शेड में रख दिया था क्योंकि यहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। पौधों के बीच में देखो कितना अच्छा सुंदर प्लांट चल रहा। इधर भी मैंने एक कोलियस की कटिंग लगाई थी, तो आप भी अगर कटिंग लगाएं इस तरह से जैसे मैंने ये लगाई है, पौधों के बीच में ही कटिंग लगाएं, तो ये सक्सेसफुल हो जाती है जल्दी। और ये रहा हमारा बारह सिंगा, इसकी भी मैं कल कटिंग लगाऊंगी, हो जाएगी, हो जाती है। थोड़ा मॉइस्चर बना रहे हैं मिट्टी में, बस इतना होना चाहिए। ये रहा मेरा जीजी प्लांट, और एक कटिंग से जो पत्ती से मैंने ग्रो किया था, ये मेरा जीजी प्लांट ये है। अभी पानी की आवश्यकता है, इसमें पानी डाल दो। और एक पत्ती मैंने इस तरह से देखो ग्रो कर दी, इसी तरह से मैंने वो पत्ती ग्रो करी थी। वो पत्ती से ही प्लांट बनने वाले हैं, इस तरह से ही मदर ऑफ थाउजेंड, ये भी पत्तियों से प्लांट बनता है। और ये कलेंचो भी, तो मोस्टली प्लांट पत्तियों से चल जाते हैं। पेनीवर्ट भी इस तरह से ही, कहीं भी इसकी जरा सी भी जड़ आ जाए तो तुरंत हो जाता है। तबीयत थोड़ी ढीली है, लेकिन प्लांट्स को तो संभालना ही पड़ेगा। ये कटिंग लगाई मैंने कल, और ये तो पहले से लगी हुई थी। और ये देखो मेरा मदर ऑफ थाउजेंड, ये छोटे छोटे कितने बेबी प्लांट निकल गए। और यही जमीन पे गिरे, मतलब यहाँ पे मिट्टी में गिरेंगे, देखो उग भी गया शायद। ये रहा, इससे ही बड़ा प्लांट हो जाएगा। तो एक बार गार्डन में ऐड करने की ज़रूरत है। देखो कितने अच्छे अच्छे हो रहे हैं। तो दोनों टाइम सुबह शाम पानी देने की आवश्यकता है। इस तरह से देखो एक कटिंग मैंने ये लगाई थी, और ये डंडी सी ऐसी टूट गई थी कोलियस की, तो मैंने इसमें लगा दी थी और पत्तियाँ निकल गई। तो अकेले में अगर कटिंग लगाएंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगी। थोड़ा पेड़ पौधों के बीच में लगाएंगे तो गर्मी भी कम लगेगी और सक्सेसफुल हो ही जाती है, क्योंकि अकेले प्लांट में तो पानी देने से भी थोड़ा ज़्यादा आ जाए कम आ जाए। और इस मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। और ये भी मैं पत्ती से ग्रो किया था सेंसोवीरिया, तो इसको भी मैं देखो कितने छोटे छोटे कई सारे बेबी प्लांट निकल गए। तो इसको भी मैं, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो इसको भी लगाती हूँ। और ये तो आपका जाना पहचाना है ही मेरा आइसक्रीम कूलर, ये बॉम्बे से है, बॉम्बे से लेकर आए थे हम इसको, तो इसमें मैंने लगा दिया था। बाकी एक जोड़ा देखो कितना सुंदर चल रहा है, ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है, लेकिन अब थोड़ी गर्मी ज़्यादा होने लगी ना, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ा शेडिड एरिया में रखना पड़ेगा। और एक जोड़ा ये रहा मेरा, इसमें डबल शेड है। बाकी ये मेरी, इसमें भी अच्छे अच्छे फूल खिलने लगे। तो अपनी वेस्ट बोतल से इस तरह से हम प्लांटर बना सकते हैं। और रैन लिली ये दोबारा रिपोर्ट करनी थी, टाइम नहीं मिला, वो मैं दोबारा कर चुकी थी। देखो सुंदर हो गई, इस पर तो फूल ही खिल जाएंगे। और ये प्लांट भी बिल्कुल मेरा डोरमेंसी में चला गया था, लेकिन बेचारा फिर से चलने लगा। थैंक यू गॉड। तो जो फ्री में बन जाएगा प्लांट तो बहुत अच्छा लगता है, वरना फिर नर्सरी वगैरह जाना पड़ता है। और इसमें मेरी मिर्ची का बीज बो दिया था मैंने, तो इसको भी रिपोर्ट करूँगी। बाकी मैंने इसमें ये टर्टल वाइन चारों तरफ कर दी, एकदम ग्रोथ हो जाती है। इतनी सी मिट्टी में दबाने की ज़रूरत है, देखो फ्री का प्लांट है एकदम। उधर रही हमारी बोगनविलिया, थोड़ा डल सी हो गई बारिश पड़ने, धूप पड़ने के बाद, सॉरी धूप तेज थी ना, उसको देख कर तो मेरा बड़ा मन खुश होता है, क्योंकि ये मैंने कटिंग से ग्रो की हुई है। 10 कटिंग में से 2-3 चली थी, एक तो मैंने पड़ोस में दे दी थी। और देखो इसकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, लेकिन थोड़ा मैं बाहर भीतर कभी इधर कभी उधर, तो
परमानेंट पौधों को देखने वाला चाहिए। और माली वगैरह के तो आजकल इतने भाव बढ़े हुए हैं कि फ़ोन करने पर भी परसों से बोला हुआ आ जाऊंगा, क्योंकि कुछ पौधे रिपोर्ट करने थे। ये गमले छोटे पड़ चुके ना, अरिका पाम देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है इसके, तो इसे बड़े वाले गमले में रिपोर्ट करना था। नहीं आ तो देखेंगे, संडे को करेंगे, और क्या करेंगे, इन लोगों का तो नक्श ही है। ये मेरी तुलसी जी हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत डस्ट आ जाती है। थैंक यू सो मच।